Hello students, let's see this question. The question says match column first with column second and select the correct answer using the code given below the list. So column one में D block के cation है, column second के अंदर spin only magnetic moment निकाल रहे हैं. तो spin only magnetic moment निकालने का formula होता है under root n into n plus 2. Unit है Bohr magneton. So n होता है number of unpaired electrons present in the D orbital. So A में chromium 3 positive लिखा हुआ है. कॉन्फिगरेशन हो जाएगी 3d3, n की वैल्यू है 3, सो म्यू की वैल्यू हो जाएगी आपकी कितनी हो जाएगी 3 प्लस 2 5, 5 प्लस 3 5 इनटू 3 15, सो अंडर रूट 15, ठीक है. बी में देखते हैं Fe2 पॉजिटिव, सो कॉन्फिगरेशन हो जाएगी 3d6, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4 हो जाएंगे, सो म्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी 4 प्लस 2 6, 6 इनटू 4 24, सो अंडर रूट 24 बोर मैग्नेटॉन. बोर मैग्नेटॉन C का लिखा हुआ है Ni2 positive, so configuration हो जाएगी 3d8, number of unpaired electron हो जाएंगे 2, so mu की value कितनी हो जाएगी under root 8, 2 plus 2 4, 4 to 8, under root 8 Bohr magneton, ठीक है. D में लिखा हुआ है Mn2 positive, configuration होती है 3d5, number of electrons unpaired electrons 5 हो जाएंगे, so mu की value कितनी हो जाएगी under root 35 Bohr magneton. तो मैच क्या होगा, ए का मैच हो जाएगा आपका 4 के साथ में, बी का मैच हो जाएगा 3 के साथ में, सी का मैच हो जाएगा 5 के साथ में एंड डी का मैच हो जाएगा 1 के साथ में. सो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा 4 3 5 1, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट होगा, रेस्ट ऑप्शंस आर इनकरेक्ट. आई होप यू अंडरस्टूड, थैंक यू.